हेलो, वेलकम टू फूड बेली। आज हम बनाएंगे कोकणी वड़े मटन। यह हमारे महाराष्ट्र के कोकण प्रांत की खासियत है और आज मैं इसे हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकें। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन अच्छी तरह से धोकर लिया है, तो उसके बाद हम इसे 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक और ये 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट लगाकर हम इसे साइड में 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हमें मटन में डालने के लिए मसाला बनाना है तो उसके लिए ये मैंने एक प्याज लंबा काट के लिया है, ये थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 2 इंच दालचीनी, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च ली है। इन्हें भूनकर हम इसका मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए हम ये नारियल के टुकड़े कर लेते हैं। तो मसाला भुनने के लिए ये मैंने कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डाला है, उसमें हम ये लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डालकर उसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद सौंफ डालेंगे और इन सारी चीजों को थोड़ा ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद हम ये सूखा नारियल तेल में फ्राई कर लेंगे, इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा सा तेल हम और ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये कोकोनट भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकाल के प्लेट में ठंडा कर लेंगे। अब वही ऑयल में हमें ये प्याज भी फ्राई करके लेना है, तो प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन करके अच्छी तरह से भून के लेना है। तो ये प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे, कोकोनट में मिक्स नहीं करेंगे। और ये सारी चीजें ठंडे होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम ये कोकोनट और गरम मसाले मिक्सी में डालकर उसे बारीक पीस लेंगे। और उसके बाद हम ओनियन डाल के उसे दरदरा पीस लेंगे। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब ये मैंने पतीले में 7 से 8 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने ये 2 लौंग डाली है, उसमें 4 से 5 काली मिर्च डाली है, 1 इंच दालचीनी और 2 तेज पत्ते डाले हैं और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद ये मैंने 1/2 किलो प्याज लिए है, 1 किलो मटन के लिए 1/2 किलो प्याज मैंने बड़े चंक्स में काट के लिए है और उसी में से एक प्याज मैंने मसाला बनाने के लिए रख दिया था। तो ढक्कन रखकर हम प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मटन पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें प्याज अच्छी तरह से पक जाता है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी हमने मटन में भी लगाई है,
उसके बाद ये डालेंगे हमारा सोनारी मसाला जो हम घर में बनाते हैं। उसकी इंस्टेंट मसाला बनाने की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वो रिफ़र कर लीजिए। तो ये मैंने 4 चम्मच भरकर मसाला डाला है। मसाला डाल के उसे अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मटन डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसमें 1/2 कप गर्म पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। फिर पतीले पे ढक्कन रख के उसमें पानी रख देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख देंगे। हमें मटन में बिना पानी डाले उसे भाप पर पकाना है। बीच बीच में ढक्कन खोलकर मटन हिलाते रहे और इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकने दें। ऐसे भाप पे मटन पकाते हैं तो उसे पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर उसका जो स्वाद आता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। अंदाज़ से 1 घंटे के बाद मटन पक जाएगा। एक पीस आप निकाल कर उसे चेक कीजिए कि मटन पका है कि नहीं। और उसके बाद हमने जो कोकोनट और प्याज का मसाला पीस कर रखा है वो उसमें डालकर मिला लीजिए। वापस ढक्कन रखकर उसे हम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा मटन बनकर रेडी है। इसमें हमने बिल्कुल ऊपर से पानी नहीं डाला है। तो अब ये हमारा मटन तैयार है। तो चलो अब मटन के साथ खाने के लिए वड़े बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये चावल का आटा लिया है 1/2 किलो, ये 3 टीस्पून सौंफ ली है, ये 2 टीस्पून मेथी दाने लिए हैं, 1 टीस्पून उड़द की दाल ली है और ये 2 टीस्पून चने की दाल ली है। 1/2 टीस्पून हल्दी और ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने स्वादानुसार उसमें नमक डालिए। तो ये चारों चीज़ें हमें मिक्सी में बारीक पीस लेनी है। तो मिक्सी में डालकर हम इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये अच्छी तरह से बारीक पीसकर पाउडर तैयार हो चुका है। तो चावल के आटे में 'ये सब पीसा हुआ पाउडर डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये हल्दी और नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें इसमें गर्म पानी डालना है। एकदम पानी एकदम गर्म होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें थोड़ा सख्त आटा गूंद लेना है। आटा नरम नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में वो थोड़ा और लू आता है। तो इसे थोड़ा सख्त आटा गूंद के हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है तो अब हम आटे को वापस से गूंद कर उसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। वड़े बनाने के लिए हमने ये प्लास्टिक का पेपर लिया है, उसके ऊपर तेल लगाकर हम पूरी के आकार के साइज के हम वड़े बनाकर उसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम वड़े उसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे वड़े अच्छी तरह से बनकर रेडी है।
तो ये वड़े और मटन रेडी है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।